Okay, so today we are talking about the applications of PCR, uses of PCR, for what purposes PCR polymerase chain reactions are used. As in the previous uh, lecture, I explained that PCR is a powerful technique in molecular biology, or we say PCR is a revolutionary technique in molecular biology therefore pcr has multiple basic uses in molecular biology has again listen to it carefully pcr has multiple basic purposes in molecular biology uh, molecular biology you know most of the practices most of the procedures of molecular biology are impossible are incomplete without pcrs so pcr has lots of uses where you know in molecular biology wherever you are doing something with dna you need a pcr polymerase chain reaction to amplify the dna you know for any purpose you can do this in molecular biology uh, and it has got many applications few of the examples of the applications of pcr in molecular biology are फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजस एंड फाइंडिंग आउट द इनफेक्शन इन्फेक्शस एजेंट्स थ्रू डी एन एनालिसिस फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूजली जो हम डायग्नोसिस करते हैं कि किसी डिजीज़ को डायग्नोसिस का मतलब है कि uh, जब हम ये मालूम करते हैं कि कोई बीमारी है उस बीमारी का रीज़न क्या है uh, तो इन नो देर आर मैनी बायो कैमिकल टेस्ट वी डू यू नो उसके ज़रिए हम सिम्टम जो डॉक्टर्स हैं वो सिम्टम से पता चलाते हैं फिर अगर सिम्टम से पता नहीं चलता तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट लेते हैं उनसे पता लगाते हैं कभी कभार वो बायोकेमिकल टेस्ट भी बहुत क्लियर नहीं होती कि व्हाट इज़ द रीज़न तो फिर हमारे पास जो एक अल्टीमेट वो है देट इज़ दी सी रिएक्शन ठीक है शायद आप लोगों ने देखा हो कि बहुत से जो क्लिनिकल लेब्स होती हैं माँ बाज़ार में हस्पतालों के साथ साथ वो देखते हैं कि हमारे पास पीसीआर सी आर भी हैं पी टेस्ट भी करते हैं तो पीसीआर टेस्ट क्या है कि किसी जो मरीज़ है उनके डीएनए लेते हैं उनके डीएनए को पीसीआर के ज़रिए एम्प्लीफाई करते हैं विथ सर्टन नो you know, नॉन प्राइमर्स लेकिन वो जो प्राइमर्स होंगे वो किसी बैक्टीरिया के या वायरल डी के साथ कम्प्लीमेंट्री होंगे अगर वो प्राइमर्स हमारे पास बैक्टीरियल डी DNA के या उनके साथ मैच करते हैं और हम पीसीआर करें अगर वहां पर डीएनए को वो करे एम्पलीफाई करे तो इसका मतलब ये कि उस ह्यूमन बीइंग में जो मरीज है उसमें वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एंड देट ऑर्गेनिज्म इज द काज ऑफ एनी डिजीज इन देट अगेन सुने कि क्या करते हैं डायग्नोसिस में आपके पास कोई बीमार है उसकी डीएनए ले लें उस डीएनए को हमने एम्प्लीफाई करना है पीसीआर के ज़रिए लेकिन हमारे पास जो प्राइमर होंगे वो कम्प्लीमेंट्री होंगे किसी बैक् जो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया हैं या वायरल पार्टिकल्स हैं उनके साथ अगर ये प्राइमर के साथ डीएनए एम्प्लीफाई हो जाए तो इसका मतलब ये कि उस बंदे में वो जो मरीज है उसमें देट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और देट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटोजों और देट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस हैं जिसका हम जिसके पीसीआर के साथ जिसके प्राइमर के साथ वो पीसीआर के ज़रिए उसकी डी एन हो रही है सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ पी इन डायग्नोसिस ओके द नेक्स्ट वन इज़ डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड अगेन अगर हमारे पास फूड uh, है तो हम उस फूड में uh, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम से उनमें फूड पॉइजनिंग या वो फूड रोटिंग uh, uh, वो काज होती है तो अगेन अगर हम फूड ले लें उन फूड से हम डी एन ए को एक्सट्रैक्ट करें उसको फिर उसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारे पास जो सस्पेक्टेड फंज फंजाई है बैक्टीरिया हैं उनके प्राइमर ले लें उनके साथ उसकी डीएनए को ए एम्प्लीफाई इंप्लिफा, करें जिसके साथ ये एम्प्लीफाई हो जाएंगी तो इसका मतलब ये कि उस फूड में जो रोटिंग हो रही है या डीखेइंग हो रही है उस फूड में देट इज बिकॉज ऑफ देट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और देट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंजाई तो यू नो जो फूड रोटिंग या फूड डिकेंग हो रही है तो उस के, उस किस ऑर्गेनिज्म के जरिए हो रही है तो हम ये मालूम कर सकते हैं थ्रू पी सी आर इधर देखें कुछ अर्से पहले एक बहुत बड़ा यूरोप में मसला चला था कि यू नो जो जो गोश्त है वहाँ पर वो या मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ का गोश्त है तो बहुत से लोगों ने कहा था कि घोड़े के हैं या इस तरह के उनके गोश्त हैं और उनकी उसके के साथ मिक्स किया है नॉर्मल गोश्त के साथ तो एक यू नो उन्होंने कैसे डिटेक्ट किया था कि किस चीज़ का गोश्त है जो इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के फूड में तो उन्होंने उन फूड को यू नो घोड़े के कुछ डी एन ए के प्राइमर लिए के लिए मुख्तफ एनिमल्स के लिए तो वहां पर उसमें जो घोड़े के प्राइमर के साथ डी एन ए की एम्प्लीफिकेशन हो रही थी तो इसका मतलब यह कि उन फूड प्रोसेस में देयर वॉज ऑफ हॉर्सेस तो यू नो यू कैन डिटेक्ट द्रू पी सी आर बाई यूजिंग द प्राइमर्स फ्राम वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेन मैं दोबारा इस बात को कि पी सी आर इज अ पावरफुल टेक्निक इट कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ डी एन एनी वेयर इन द ऑर्गेनिज्म अगर आप हाँ जीनोम एनालिसिस करते हैं आपने किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को उसके जीनोम को एनालाइज करना हो कि व्हाट टाइप ऑफ़ डीएनए इज़ देयर इस, इस टॉपिक को हम लेटर ऑन नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इस वजह से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा लेकिन उधर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हाउ द पीसीआर इज़ यूज इन जीनोम एनालिसिस की दिस थिंग इन माइंड फॉर फॉर लेटर लेक्चर्स जीनोम एनालिसिस में पीयूज़ ऑफ़ पीस आर्टिफिशियल डीएनए सेंटेसिस यू नो जहाँ पे हमने जीन ऑफ़ इंटरेस्ट के आइसोलेशन की बात की थी जीन क्लोनिंग में तो वहाँ पर मैंने कहा था आर्टिफिशियल डीएनए सेंटेसाइज़र उसके जर ज करते हैं सो so अगेन जो उसमें टेक्निक इस्तेमाल होता है दैट इज पी सी आर पी सी आर यू नो हमारे पास न्यूक्टाइड होंगे खास किस्म के प्राइमर्स होंगे वो प्राइमर्स जो है डी एन ए को सेंज करेगा सो आर्टिफिशियल डी एन एंथिस यूज इन डी एन ए सिक्वेंसिंग अगेन इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डीएनए uh, सीक्वेंसिंग में के पीसीआर सी आर इज यूज यूजअली जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन पीसीआर तो इन दो चीजों को इस टॉप इस को और इसको हमारे जो आने वाले दो लेक्चर्स हैं उधर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पी सी आर इज यूज इन दैट प्रोसेस पी सी आर इन डी एन ए सिक्वेंसिंग एंड जीनोम एनालिसिस इन क्रिमिनोलोजी ठीक पी सी आर डीएनए एनालिसिस एंड जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस जो है ये क्रिमिनोलॉजी में अगर कहीं पर आ, कोई क्राइम हो गया है तो उस क्राइम सीन से हमें कोई बायोलॉजिकल मटेरियल मिलता है वहाँ से हमें प्रोटीन्स मिल जाएँ वहाँ से हमें खून के कतरे मिल जाएँ वहाँ से हमें कोई भी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मटेरियल मिले तो उस बायोलॉजिकल मटेरियल से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डीएनए को फिर पीसीआर के ज़रिए एम्पलीफाई करेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस तो अगेन अगर हमने क्रिमिनोलॉजी में हम क्रिमिनोलॉजी में क्राइम सीन में किसने जुर्म किया है कैसे ये जुर्म हुआ है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है दिस इज़ यू नो एक्चुअली नोन इस क्रिमिनोलॉजी तो उसकी डिटेक्शन में भी हम पी सी आर को इस्तेमाल कर सकते हैं मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा लेकिन अगर आपको कहीं पर खून के कुछ कतरे मिल जाएँ उसमें थोड़ी सी डी एन ए हो आप आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे उस थोड़ी सी डी एन ए को फर्दर एना के लिए आप पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई करेंगे यू डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंड देन यू कैन एनालाइज देम व्हेन समथिंग इज इन यू नो इन जनरल जब हमारे पास कोई चीज है कोई मटेरियल है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट यूजली नहीं कर सकते तो हम उस मेटीरियल को पहले क्या करते हैं हम चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा मटीरियल हो तो हम उस पर ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर हमारे पास बहुत कम मटीरियल में ये डी अवेलेबल हो जाए किसी क्राइम क्राइम से खून के कतरे हों कोई और पार्ट हो आ, इवन सिलाईवा हो तो उनसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे उस डीएनए को पहले पीसीआर के जरिए एम्प्लीफाई करेंगे और फिर उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम एनालिसिस करके उसको क्रिमिनोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं यू नो अगेन हम अगर, अगर हमारे पास कोई कई सेल्स में बॉडी में आ, कैंसर काज होता है सो व्हाट कुड बी द काज ऑफ दैट कैंसर अगेन हम ये मालूम कर सकते हैं थ्रू पी सी आर जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा पहला वाला हमारा जो uh, है वो डायग्नोसिस इन डिजीज़ तो अगर यू नो वट कुड बी द काज ऑफ देट कैंसर सो फिर हम ये भी पी सी आर के साथ मालूम कर सकते हैं कि कौन से सेल्स में यू uh, नो you know, ये प्रोलिफरेशन कौन से सेल्स में ये एबनॉर्मल डिविजन स्टार्ट हो गई है वट कुड भी द ट्रिगरिंग रीज़न के उन सेल्स uh, में वो डिवीजन uh, को और वो नंबर इनक्रीज़ हो रहा है तो हम ये मालूम कर सकते हैं थ्रू पीसीआर। हम इनके ज़रिए जिन जीन्स में म्यूटेशन काज होती है एंड डेट म्यूटेशन बी द काज ऑफ़ कैंसर यू नो। तो इस वजह से पीसीआर के ज़रिए हम जो म्यूटेशन है म्यूटेशन म्यूटेंट जीन्स एंड डेट म्यूटेंट जीन्स कुड द दाज ऑफ कैंसर हम ये भी मालूम कर सकते हैं ओके सो देर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशनज़ तो सिर्फ हमने सात आठ एप्लीकेशंस पढ़े इसके अलावा पी सी आर में दोबारा के पी सी आर इज़ अ पी सी आर इज़ अ बेसिक टेक्निक इन मालिक्युलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन सारी चीज़ों में बेसिक टेक्निक है ऑल दिस प्रैक्टिस इन मालिक्युलर बायोलॉजी आर इम्पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ पी सी आर थैंक यू